बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जान भी है। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई तक फरमाए। अल्लाह हम सब से राजी हो। जो प्यारे दुनिया पाने से जा चुके, अल्लाह उनकी मकर फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अदा करे, इसका नेमल बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। जो बीमार है अल्लाह उनसे तंदुरुस्ती शिफा अता फरमाए, जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद से नवाजे, नेक साले औलाद से नवाजे। और आज के व्लॉग का आगाज करते हैं जी देसी मुर्गी। देसी मुर्गी जो है ना वो जिबा की है। दरअसल आज हमारी सवाए बच्चों के अलावा बाकी जो है सारी मुर्गियां खत्म हो गई। जो बच्चों वाली मुर्गी है वो फिर रही है, बाकी सारी की सारी खत्म हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बीमार होती जा रही थी और हराम होने का खर्चा था, इसलिए उसको जो ना जिबा कर दिया। और जो है हालांकि उसने एक ये अंडा भी दिया था, ये अंडा भी दिया है, देसी अंडा, देख रहे छोटा सा अंडा, देसी अंडा, क्योंकि देसी अंडे छोटे होते बड़े नहीं होते। ये अंडा भी दिया उसने, लेकिन खदशा था कि बीमार की वजह से कहीं हलाक ना हो जाए, उससे बेहतर है कि इसको हलाल कर लिया जाए। क्योंकि दो मुर्गियां तीन कर रही थी, एक तो बच्चों वाली दो और, जिसमें एक को जिसको हम जिबा कराना चाह रहे थे, तो जब मैंने पूछा कि मुर्गी किधर है, तो बच्चों ने कहा जी वो तो बाबा खत्म होगी, हलाक होगी, इन्हें बच्चों ने दफन कर दिया, मिट्टी में दबा के दफन कर दिया। अब दूसरी है वो बीमारी की वजह से कि ये उसको ना मसला बन जाए, इसलिए उसको भी हलाल कर दिया। उसका वो गोश्त रहा आपके सामने, अल्लाह का शुक्र अदा करते। अब ये देसी जो है चिकन का गोश्त की रेसिपी बेगम बनाएगी, बड़ी बीए भी बड़ी टाप की बच्चे खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देसी चिकन की रेसिपी विलेज गांव के अंदर देसी चिकन की जो रेसिपी होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है, और जो शहर में होते हैं देसी चिकन वो ज़्यादातर बीच में जो ना खुराक वगैरह जो है उनको फार्मी खुराक वगैरह फराम की जाती है, दूसरी जो फीड वगैरह की खुराक, ठीक है जी, जो विलेज के गांव की होती है खालिस देसी गंदम, यानी खालिस गंदम एक ही, दूसरे नंबर पर बाहर से जड़ी बूटियाँ वगैरह खुद ही खा के आ जाती हैं, अपना पेट पुट भर लेती हैं। ये मुर्गी हमारी एक बच्ची हुई है सिर्फ, अब लास्ट आखिरी ये लास्ट, ठीक है जी। और इसके ये बच्चे हैं पीछे, इसके पास 19 बच्चे थे, अब पीछे 8 बच्चे आगे बचे, कुछ कवे उठा के ले गए, कुछ जो है ना बीच में हलाक हो गए। अब ये मुर्गा अकेला हमारा रह गया, वो मुर्गी जो है वो है, अब ये मुर्गा अपनी बीवी के बगैर बीवी के बगैर रह गया। बेगम को कहते हैं क्या कहती है, बहन के लिए जिक्र कर चुके हैं, हैंडपम्प के लिए, हैंडपम्प की इससे ज़रूरत है, इससे ज़रूरत है, मेहरबानी होगी आप लोग तावन कर दें, जो भी आप में से बहन भी तावन कर सकता है जरूर करें। हम उस बहन को हैंडपम्प लगवा के देना चाहते हैं फौरी तौर पे हैंडपम्प, और मजबूरी है, अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, हैंडपम्प लगवा के देना है। हैंडपम्प बहुत ज़रूरी है, और गर्मियाँ है शदीद, पानी जो है अपना जाती जब जरूरत होगी निकाल लिया करेंगे, भर लिया करेंगे, और जब दूसरों के घर से भर के लेके आना होता है ना वो बड़ा मुश्किल भी होता है। दूसरा ये कि गर्मियों के बीच में गर्म हो जाता है और बार बार जाके भरना भी अच्छा नहीं होता, तकलीफ दे होता है कि अब अपना जब होगा दूध उसी वक्त उनके पास, क्योंकि वो रहते भी गांव के बीच में है, फ्रीजर वगैरह का निज़ाम भी नहीं है। ये देखें हांडी, हांडी के बीच में ये डालने लगी है माशाल्लाह, देश की के बीच में ग्रेवी उसकी बन गई प्याज टमाटरों की, अब जो है इसको ये डालने लगी माशाल्लाह, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। तो बात कर रहा था मैं गर्मियों के बीच में जब लोगों के घर से पानी भर के लाना होता है ना, घरों लोगों के घर से, घर में फ्रीजर भी ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, फिर पानी गर्म हो जाता है, दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर फौरी तौर पे कैसे ले सकते हैं, फौरी तौर पे भरना मुश्किल होता है। अपना होगा तो अपनी जब जरूरत होगी उतना ही भर लिया करेंगे, अपने हिसाब से अपनी जरूरत पूरी कर लिया करेंगे। आप में से बहन भाई जरूर तावन करें अल्लाह की रज़ा के लिए, और हम उसकी वीडियो बना के हैंडपम्प की आपसे जरूर शेयर करेंगे, आपकी अमानत कहीं रहेगा नहीं जाएगी, इंशाल्लाह फख्र करेंगे। बेगम ने किया है आज नुकसान, सो गई थी सालन बनाते बनाते, और वो देश की देखे जी जिसमें हांडी बन रही थी इसी वीडियो में देखे पहले वाली, ये पानी डोल दो बेटा, पानी डोल दो, पानी डोल के दिखाओ, ये बेगम ने की चलाकी, इसने पानी जो है ना बीच में पानी जो है इसने फटाफट डाल दिया, सालन जलते जलते शुक्र है बच गया, सालन जलते जलते शुक्र है बच गया। ये तो जला रहे थे सालन, देसी मुर्गी को खत्म कर रही थी, है देसी मुर्गी कुकड़ों को, उसका मुर्गा जो है वो अकेला वो बेवा हो गया, रंडा वो उसका शोहर रंडा हो गया, मुर्गा मुर्गा उसकी बीवी तो मर गई, बीवी मर गई उसकी, यानी अब बीवी मुर्गे की बीवी जो है ना मर गई,
ठीक है, मर गया कि उसकी यूं वाली वो तो रिबा होगी ना, रिबा मारने की, सॉरी माफी चाहता हूँ, रिबा होगी, रिबा है, क्या हुआ, रिबा कर दी। अब वो अकेला रह गया, अब उसको दुल्हन ढूंढ के देनी पड़ेगी, यूं ढूंढ के देनी पड़ेगी उसे, वो तो वरना अकेला यूं 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 देखता रहेगा। ठीक है मुर्गा, वो इधर, हाँ अकेला इधर उधर यूं तलाश करता रहेगा, किधर है किधर है, कोई भी नहीं। ठीक है, और दूसरी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो नहीं करीब आने देगी। हाँ वो करीब नहीं आने देगी, तूने सालन जाना जला दिया, दूसरी हांडी के बीच में सालन पक रहा है, दूसरी हांडी के बीच में। ठीक है, दूसरी देश की रखी सालना बन गया, मुकम्मल हो गया, चलो शुक्र है जी, अभी मुकम्मल हो गई, ये नुकसान करते करते बचा लिया, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के शुक्र है। अब चेक करने लगी कि कैसे ये बनी है, चेक करने लगी, ये देखो जी, ये इसको चेक करने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, चेक करने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं। सुबह सुबह बेगम ने नाश्ता बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है हमें दूध दो जगहों से जो लेते हैं, सुबह एक जगह से मिला नहीं, दूसरी जगह से पता नहीं बेटा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, बेटी का भी साथ ले जाता लस्सी के लिए, सारे ना हमारे पास आज ये है। अब ये चार जो है बहुत दिन हुए डाले चार को, इंशाल्लाह वो बन जाएगा 3-4 दिन तक या 5 दिन तक, फिर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा, फिर परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। पता नहीं आ रहे कि नहीं आ रहे। हाँ जी आयशा भैया, तेरा बिलाल वो भी आ गया, शुक्र शुक्र, ये लस्सी लेकर आ गए, लस्सी दिखाओ बेटा, माशाल्लाह बेहतरीन खूब लस्सी। अब लस्सी बनाएंगे, लस्सी के साथ नाश्ता हो जाएगा। दूध जो है ना देर से पहुंचा है, लेके आया है बेटा अभी आपके सामने, ठीक है जी, ये लेके अभी देर से पहुंचा है, क्योंकि चाय के लिए रखना है कि नहीं रखना, चाय बनानी है, आप तो बना लो बना लो बना लो, उसमें रख दो अपना चूल्हे में, देश के लिए आओ छोटे, ठीक है, चूल्हे में आग है, अभी बन जाएंगे, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। हाँ इंशाल्लाह, इसमें जो ना पानी डाले, नमक डाले, बिलाल नमक ले आओ बेटा, नमक भी ले आओ, ठीक है, चाय लस्सी पतली हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, नाश्ता हो जाएगा ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है जी। ये सालन जो है तेरी अम्मी नहीं खाती, और चाय के साथ नाश्ता कर लेगी, अल्लाह खैर करेगा। मैंने बेटे को बोला था कि दूध जो है ना इधर से नहीं मिला, वो उनका जो है जानवर जो है ना वो रात को ना अपना जो उसका फल है ना फल, वो अपनी माँ को यानी कि ले गया, छोटे छोटा गया था ले गया, ठीक है। तो मैंने बेटे को बोला था, बिलाल आपको बोला था 1 किलो दूध और लेके आते, नहीं दिया उन्होंने, असल में जो फैक्ट्री लगाया हुआ ना हमने, गैर रूप से वही देना है, अब इजाफी एकदम जब चाले उनसे मांगे तो मैंने हालांकि पैसे भी दिए थे बेटे को, मैंने कहा जब आप 1 किलो और इजाफी लेते हैं ना, आज इधर से दूसरी जगह से नहीं मिला, आज सारा दिन इसके ऊपर ही गुजारा करेंगे, 1 kg के ऊपर ही, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। और ठंडा पानी इस बर्फ में अपना लस्सी में डाल रहे हैं, लस्सी पतली कर रहे हैं, नमक नमक यहाँ रख दिया आपने, डाल दिया है, चलो अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे, बाकी दोनों याद रखना है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।